यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है और वो बैकफुट पर ना आए, क्योंकि सभी ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। कभी कभी आत्मविश्वास का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद ये बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक थी। बैठक में सीएम योगी ने कहा, सभी के सहयोग से हमारी सरकार ने सूबे को माफियाओं से मुक्त किया है और आज सुरक्षा का माहौल है। पहले मुहर्रम में ताजिया के नाम पर घरों को तोड़ा जाता था, लेकिन अब किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलती है। योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा, एक बार बुंदेलखंड के चित्रकूट गया तो वहाँ के अधिकारियों से पूछा गया कि चित्रकूट में अच्छे होटल और धर्मशाला क्यों नहीं बन रहे, तो बताया गया कि अगर कोई यहाँ निवेश करेगा तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा। मैंने साफ कह दिया कि अगली बार यहाँ तब आऊंगा जब इस जगह को डकैतों से मुक्त कर दूंगा। आज न सिर्फ चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड गुंडों और माफियाओं से मुक्त हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। वे बोले, यूपी के गुंडों को और माफियाओं से मुक्त कराने का काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन तब से कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया गया था।